बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के इस दौर में चिकन खाना पकाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इसका हल भी हमने निकाल ही लिया है। हम यहाँ पर आज अपने किचन में बना रहे हैं पोटैटो टिक्का। चिकन टिक्का की रेसिपी आपने बहुत सी खाई होंगी और अपने घरों में बनाई भी होंगी, लेकिन पोटैटो टिक्का बनाइए और बच्चों को खुश कर दीजिए। रमज़ानुल मुबारक में लाजमी ये रेसिपी बनाइए, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। आइए हम इस पोटैटो टिक्का को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर दो बड़े साइज के मैंने आलू ले लिए थे और क्यूब्स कटिंग में उनको मैंने कट करके रख लिया है। दो से तीन पानी अच्छी तरह से धो लिया है, उसके बाद साफ पानी में साफ बर्तन के अंदर इन्हें डालकर मैंने रख दिया है। यहाँ पर हमने अब बड़े साइज की टूथपिक ले ली है, मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती है। एक पैन के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और जो हमने पोटैटो स्टिक के ऊपर लगा दी थी वो तमाम हम इसके अंदर पानी के अंदर डाल देंगे और हाफ टन बॉयल होने के लिए रख देंगे। मुकम्मल बॉयल नहीं करना आपने, याद रखिएगा हाफ टन बॉयल आपने करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, तकरीबन दो मिनट तक हम इन्हें हाफ टन बॉयल करेंगे और उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हम इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे तो हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे, क्योंकि हम पोटैटो टिक्का बनाने जा रहे हैं तो कोई स्पाइसी और मज़ेदार इसका टेस्ट भी होना चाहिए कि बच्चे खुशी से झूम उठें कि चिकन टिक्का नहीं, आज हमें पोटैटो टिक्का खाने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चिकन टिक्का खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए पोटैटो टिक्का बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने खुले मुँह का बर्तन ले लिया है, एक अंडा उसमें डाल दिया है, चाट मसाला 1 टीस्पून, गर्म मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक इसमें हसबे जरूर जाएगा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, बेसन 1 चम्मच डाल के इस तमाम को हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद कलर देने के लिए, पोटैटो टिक्का को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। यहाँ पर जी इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। स्टिक हमारे हाथ में है जिसमें हमने आलू को परो लिया है मोतियों की तरह। अब इसके ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से लगाएंगे। दूसरी साइड पर जी हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। कुकिंग ऑयल गर्म है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम पोटैटो टिक्का को फ्राई करेंगे। यकीन जानिए चिकन टिक्का से भी ज़्यादा इसकी खुशबू पूरे किचन में आ रही है, भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको पोटैटो टिक्का बनाने की रेसिपी आपसे शेयर की है। तो साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से पोटैटो टिक्का हमारे रेडी हो चुके हैं। तमाम साइड आपने इसकी अच्छी तरह से कुक करनी है, लेकिन याद रखिएगा चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखनी है, हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी। लीजिए परफेक्ट हमारे पोटैटो टिक्का रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें सर्व करके आपसे शेयर करते हैं। गर्मा गर्म पोटैटो टिक्का हो और साथ हो पुदीने की चटनी, तो खाने का मज़ा तो दुबाला ही हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा कि हमारे पोटैटो टिक्का कैसे बने हैं और आपके कैसे बने हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।